मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गुरुवार को गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 दिसंबर को होने वाले मतदान केंद्रों सहित खरीद विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसके तहत मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने शिक्षक निर्वाचन के लिए बनाए गए मतदान केंद्र अभयनंदन इंटर कॉलेज विकास खंड चनगावा के बाद जनपद गोरखपुर में धान खरीद एजेंसी PCF द्वारा संचालित केंद्र सहकारी संघ लिमिटेड गुलहरिया, खाद विभाग की विपणन शाखा भटहट, जनपद महाराजगंज के परतावल मंडी में स्थापित खाद विभाग की विपणन शाखा परतावल तथा परतावल मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय संभागीय विपणन अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी सदर महाराजगंज मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान PCF द्वारा संचालित सहकारी संघ लिमिटेड गुलरिया पर 63.74 मीट्रिक टन धान खरीद किया गया था, लेकिन धान की डिलीवरी संबंधित मिल को नहीं किया गया है, जिस पर मंडलायुक्त ने क्रय केंद्र प्रभारी को कड़े निर्देश दिए कि खरीदे गए समस्त धान को धान क्रय केंद्र से संबंधित मिल में डिलीवरी कराना सुनिश्चित करें। जनपद महाराजगंज में स्थापित अन्य केंद्रों में से 2 या 3 केंद्रों का जिस पर कम खरीद की गई है उसे परतावल मंडी में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान क्रय केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क एवं साबुन अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखने के निर्देश दिए तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया।